भाजपा से चेयरमैन पद के दावेदार मां शिवनारायण रहे तीसरे नंबर पर, कहा आपसी फूट है हार का कारण। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने भाजपा प्रत्याशी की हार पर कहा, दूसरे पहले से कर रहे थे तैयारी, भाजपा प्रत्याशी बुजुर्ग होने के कारण नहीं कर पाए कवर। इन चुनावों का 2024 पर नहीं होगा कोई असर। डॉक्टर बनवारीलाल कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट बीरेंद्र सिंह महलावत 1058 मतों से जीत हासिल करके नगरपालिका बावल के चेयरमैन बने तो उनके समर्थकों ने लड्डू बांटकर जीत का जश्न मनाया। तीसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी शिवनारायण ने भाजपा की आपसी फूट बताया अपनी हार का कारण, तो वही दूसरी ओर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को उनकी जीत पर बधाई देने के बाद कहा कि दूसरे प्रत्याशी काफी समय से चुनाव मैदान में थे और भाजपा प्रत्याशी बुजुर्ग होने के कारण यह चुनाव कवर नहीं कर पाए और हार गए, लेकिन यम चुनावों का 2024 के चुनावों पर नहीं होगा कोई असर। वकील साहब को जिता दिया है पब्लिक ने जी। हाँ जी, क्या कारण रहा हार का, क्या कारण मानते हैं आप? हमारे में से तो आपसी फूट की वजह से कारण रहा। नहीं, भाजपा में आपसी कलह थी, कलह की वजह से हार का कारण रही। हाँ, क्योंकि जो एक कैंडिडेट 1000 लेगा, 1900 ले गया, 1900 का ये हो गया सीधा नुकसान हमें जी। नहीं, लगातार जिस तरह से बाकी जो लोग बीजेपी के उम्मीदवार लोग पदाधिकारी थे लगातार बगावत करते, आपको लगता है कि बीजेपी पदाधिकारी ने आप करवाया? नहीं, मैं तो ये तो नहीं कहता, ये तो पब्लिक का काम है जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं। आंदोलन का भी कोई असर पड़ा है? नहीं, कोई आंदोलन से कोई। ठीक है, ठीक है। हमने लगातार आपने भी प्रयास किया, खूब प्रयास किया, इधर देखा, आखिर क्या कारण रहा इस हार का? देखो, सबसे पहले तो मैं वीरेंद्र महलावत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ की जीत पर, और जो जनता ने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान भी करता हूँ। और ये जो छोटा चुनाव था, ये छोटा चुनाव जातियों में और लोकल संपर्क के आपस में जो संपर्क है उस पर टिका हुआ था, और हर जाति से एक एक चेयरमैन कैंडिडेट खड़ा हुआ था, तो ये सारे फैक्टर्स लगा करके और इस चुनाव में ये रिजल्ट आया है। तो हमने भी मेहनत की, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा गया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम पार्टी के लिए मेहनत करें। हमने मेहनत की, लेकिन जनता ने जो मैंडेट दिया उसका मैं सम्मान करता हूं। नहीं लगता कि 2024 के चुनाव पर इसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, ये छोटा चुनाव है, विधानसभा का इससे कोई लेना देना नहीं होता, विधानसभा अलग होता है और लोकल मुद्दे अलग होते हैं। रुक सब, एक बड़ा सवाल कि अभी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस छोड़ छोड़ काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो भाजपा की तरफ रुख कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ आपसी तालमेल की जरूरत पड़ेगी भाजपा को उनके साथ। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की जो नीतियां हैं और जो विकास कार्य पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर हुए हैं पिछले 7.5-8 साल के अंदर, उन्हीं से प्रभावित होते हुए दूसरी पार्टी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लगता नहीं कि कहीं कमी रह गई, क्योंकि तीसरे नंबर पे आपका कैंडिडेट है, जो मार्जिन है वो भी काफी ज्यादा है, यहाँ से आप खुद विधायक भी हैं, प्रदेश में मंत्री भी हैं और काफी काम भी करा है, तो कमी कहाँ रही आपके? वो ये भी थोड़ा सा है कि ये लोगों पहले से इंडिपेंडेंट तैयारी कर रहे थे, और आप कोई पता है कई बार आदमी 2-3 बार पहले चला जाता है और मन बना लेता है वो पहले आ गया तो मैं उसी को वोट दूंगा, तो ये कारण भी हो सकता है कि काफ़ी दिन पहले से लगे हुए थे और हमारी पार्टी का जो सिंबल वो लेट मिला। दूसरा कारण ये भी हो सकता है थोड़ा सा कि मास्टर जी की उम्र ज़्यादा है तो ये सब कवर ना कर पाए। एक आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि मेरे साथ अपनों ने धोखा कर दिया, ये सब चुनाव में सब चलता है। आपके कैंडिडेट ये कह रहे हैं, आपके जो अभी कैंडिडेट आ रहे हैं शिवनारायण, उन्हीं से बातचीत? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये चुनाव के बाद ये सब चलता है कि उसने वोट नहीं दी, उसने वोट दी, उसने धोखा कर दिया, सब चुनाव में चलता है। ये जो जीते हैं ये तो ये कह रहे हैं कि मंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, इस तरह की ये तो अब उनकी सोच है, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक है, थैंक यू।